शहर में अपराधों में कमी हो इस उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने 60 आरोपियों के घर पर दस्तक दी, जिसमें पुलिस को एक तड़ीपार आरोपी मिला। इस बारे में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। बढ़ते अपराधों की संख्या को देखते हुए शहर पुलिस ने क्राइम ट्रेंड को निरीक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने ये देखा कि शुक्रवार शनिवार रविवार यानी वीकडेज में एक निर्धारित समय रात 7 से 10 में अपराधों में वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए इन अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से इन वीकेंड डेज में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिस संबंध में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। देखिए, जो क्राइम का ट्रेंड एनालाइज किया गया है, जो एकदम से क्राइम की जो वेव आ गई है, उससे ये समझ में आ रहा था कि वीकेंड्स में फ्राइडे सैटरडे और संडे को क्राइम बढ़ रहा है, और उसका टाइमिंग भी जब हमने जॉट डाउन किया तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम में ये क्राइम बढ़ रहा है। उसी प्रकार से हमने फ्राइडे सैटरडे और संडे तीनों दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक मैक्सिमम फोर्स ले जाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन के साथ में फुट पेट्रोलिंग करने का प्लानिंग किया है। कल ये किया गया था और आज भी किया जाएगा और संडे में किया जाएगा। इसमें विशेष बात यह है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि मैं, ACP, सीनियर PI और सभी अधिकारी जितने पुलिस स्टेशन के हैं, वो रोड पर मौजूद रहेंगे, और इसमें जो भी आरोपी हैं, रिकॉर्ड के जो पुराने गुनहगार हैं, उनके घर जर्दी लिए जाएंगे, और जो दारू बेचने वाले रिकॉर्ड वाले हैं, जो सट्टा खेलने वाले रिकॉर्ड वाले हैं, उनके घर जर्दी लिए जाएंगे। साथ ही में अगर ओपन एरियाज में चौक पर ग्राउंड पर अगर कोई लोग फालतू बैठे हुए दिखते हैं, जमाव लगाए हुए दिखते हैं या झगड़ा करते हुए दिखते हैं, तो उनको इमीडिएटली डिस्पर्स किया जाएगा और एक जो पुलिस का जो एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ये इसका एम है। इस ऑपरेशन की खास बात ये है कि इस कार्यवाही के दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी सड़क पर उतरेंगे और जो रिकॉर्ड आरोपी है उनकी तलाशी ली जाएगी और उन पर कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।